गांधार राज, किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना है, आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। कहा था तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश। और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। दुर्गधान, तुमने ही इस कुरुक्षेत्र को रचा था ना, तो आज स्वयं ही तुम इस कुरुक्षेत्र से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा दुर्योधन, विवश कर दूंगा। जिसने ये त्यूत सभा रची थी वो आज वहां से जीवित नहीं जाएगा। तो बताइए गांधार राज, क्या लगाएंगे आप दाव? नग्न मनुष्य नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गांधार बहुत दूर है और हस्तिनापुर इनके पास नहीं। इनके पास केवल बाकी है तो इनका शरीर और इनके वस्त्र। ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? वस्त्र वस्त्र को दांव पर लगाता है भला? नहीं 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 नहीं, सादेव क्या कर रहे हो ये? मैं नहीं खेलूंगा ये दांव, मैं नहीं खेलूंगा ये दांव। दांव तो आपको खेलना होगा गांधार राज, और द्यूत के नियम के अनुसार जब तक एक खिलाड़ी पूरी तरह से विजयी या पराजित नहीं हो जाता, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर नहीं उठ सकता। सखी, पासे फेंको। विधिवत तुम्हारी दासी हुई।
माधव स्मरण रहे चौसर है ये। बारह बस अब पौ बारह और विजय मेरी माधव। ऐसा नहीं हो सकता, छल है ये माधव, छल है ये मायावी पसे है, छल है ये। ओ माता, भूल गए मामा श्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। हरण करो इस मामा का। माधव धर्मराज, ये क्या है सब है? मामा श्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज, विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं,
सर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामा श्री, अब दिखाइए अपने तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था, साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कचा कृष्ण, आनंद नहीं आया मामा श्री, आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए, कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामा श्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना, उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे भूल हो गई, मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसे आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामा श्री। नहीं, ah!
अगली चाल चलते हैं केशव। किंतु इस बार गांधार राज के पास कुछ लगाने के लिए शेष नहीं है सके। उनका बायां हाथ माधव, वही हाथ जिससे उन्होंने अभिमन्यु की पीठ पर तलवार भोंकी थी। एक और चाल मामाश्री। पासे फेंको पांचाली। मुझे खेद है गांधार राज, आप अपने वो हाथ हार गए जिनसे आपने महाभारत का युद्ध रचा था। इनके हाथों का दोष कम, इनके उस मन उस मस्तिष्क का दोष अधिक था। उस द्यूत में, उस लाक्षाग्रह की अग्नि में इनके मन का नाश करो पार्थ। जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति है, जाओ और जाकर अपने प्रिय महाराष्ट्री को अंतिम विदाई दो। माधव, इतनी इतनी पीड़ा क्यों? मुझे मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो भोगे वही काटोगे, यही नियति है।
आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी। स्मरण है गांधार राष्ट्र कि किस प्रकार उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके।